Yes, friends. Now, our next topic is magnetic field due to straight current carrying conductor. Magnetic field due to straight current carrying conductor. अभी तक हमने क्या सीखा? हमने क्या पता किया? देखो, सबसे पहले हमने ओस्टर के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता किया, ठीक है? हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में समझा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज समझी, ठीक है? अब हम क्या समझना चाह रहे हैं कि ऑस्टर ने हमें बताया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ओके? पर अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लें, उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, किस शेप का होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कौन कौन से फैक्टर्स पर वो डिपेंड करेगा, ठीक है? उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड होगी, ये सब कुछ हम समझना चाह रहे हैं अपने इस टॉपिक में, ठीक है? तो इस टॉपिक में हम ये सब कुछ समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कैसा होगा, उसकी शेप कैसे होगी, इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ओके? तो लेट्स स्टार्ट आवर दिस टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. अब हमने क्या किया, इसके लिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप कर लिया. इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप कर लिया, उसमें एक बैटरी लगा ली हमने, ओके? और क्या किया, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा लिया, वायर की, ठीक है? वायर की, वायर को एक कार्डबोर्ड में से पास किया. ये कार्डबोर्ड कैसे है कि एक हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड में से वायर पास की है, ठीक? ये कुछ किस तरह का सेटअप है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा ये फाइंड आउट करना है. हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपली उस कार्डबोर्ड पर मैं क्या करूंगा, आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दूंगा. आयरन फिलिंग स्प्रिंकल करूंगा, पहले सर्किट ऑफ है, अभी ऑन नहीं है, सर्किट ऑफ है. आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दूंगा, उसके बाद बैटरी को कर दूंगा ऑन, यानी मतलब उसकी की को कर दूंगा ऑन, जिसकी वजह से करंट क्या होगा, फ्लो होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा. और फिर क्या करूंगा, जो कार्डबोर्ड है उसको हल्का हल्का सा टैप करूंगा. टैप करने के बाद मुझे क्या ऑब्जर्व होगा कि जो आयरन फिलिंग होगी वो करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक लूप्स, कॉन्सेंट्रिक लूप, कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिनका एक ही सेंटर हो, ऐसे सर्कल्स, ऐसे लूप्स बना लेगा. वो जो मैग्नेटिक, सॉरी, आयरन फिलिंग्स होंगी वो क्या करेंगी, कॉन्सेंट्रिक लूप्स की फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेंगी. तो इसे क्या रिजल्ट है, इसे ये रिजल्ट है कि करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ओके? मतलब अगर ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, कुछ ऐसे सर्कल्स की फॉर्म होगा, ठीक है? बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड तुमने देखा था कैसा था, तो एक स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, ओके? तो यहां से हमें क्लियर हुई शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसकी क्या शेप होगी, ठीक है? अब ये तो समझ आया कि हमें क्या शेप होगी, बट हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा. हम ये जानना चाहते हैं अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के पास कोई भी एक पॉइंट है, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा और वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ओके? तो मैग्नेटिक फील्ड को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से. मैग्नेटिक फील्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फर्स्ट थिंग जिस पर डिपेंड करेगा, दैट विल बी करंट. मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगा, करंट पे. अगर वायर में करंट ज्यादा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा क्रिएट होगा, यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा. करंट बढ़ने से इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा. इफ वी इंक्रीज द करंट, देन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट विल ऑल्सो इंक्रीज. इट मीन्स किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा उस पॉइंट पर, ठीक है? जो सेकेंड पॉइंट होगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस मतलब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहां है, तो जितना पॉइंट पास होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जितना पॉइंट दूर होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा. मतलब जितना हम वायर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होता चला जाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. आर का यहां पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस किससे, डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर. क्लियर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. इफ वी कंबाइन देम, अगर ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या आएगा, B directly proportional to I by R.
आई न्यूमिनेटर में है और आर क्या डिनोमिनेटर में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आई अपॉन आर। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं, तो मेरा क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू आई बाय आई बार एज इट इज। कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है यहां पर, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये है, दैट इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, हमारा क्या कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहां पे म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, ठीक है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी मतलब किसी भी फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड के पास होने की एबिलिटी, ठीक है। हर एक स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड इतनी इजीली पास नहीं हो सकता, तो किसी भी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कितना इजीली पास हो सकता है उसकी एबिलिटी रहती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो यहां पर म्यू नोट है, म्यू नोट है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, दैट इज टू पाई 4 पाई इंटू 10^-7 टेस्ला, इस यूनिट क्या होगी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इस यूनिट क्या होने वाली है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ओके। और जो यहां पर जो कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नहीं है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ओके। यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नहीं है। तो ये क्या है हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, म्यू नॉट की वैल्यू क्या है यहां पर 4 पाई इंटू 10^-4 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, क्लियर। तो ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इट मींस ये किस पर डिपेंड करेगा, एक तो मीडियम पर, अच्छा मीडियम की एप्लीकेबिलिटी अब 10th क्लास में तुम्हारे पास नहीं आएगी, मतलब मीडियम के रिगार्डिंग तुमसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ ये फॉर्मूला है, ठीक है। एंड एनसीईआरटी सिर्फ इतना एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, करंट के ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो ये वाले फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास, इस वाले फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई नहीं पूछेगा म्यू नॉट क्या है यहाँ पर, ओके, उसकी वैल्यू क्या है, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पास नहीं आया, पर नॉलेज नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है, ओके। तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेंगी, फर्स्ट करंट, सेकेंड डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर एंड थर्ड मीडियम, ओके, मीडियम जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना है। यहां तक क्लियर हुआ, अब हमें यह तो क्लियर हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी शेप क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। लास्ट चीज जो हमने फाइंड आउट करनी है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब उसके लिए हमारे पास क्या आता है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मेरे पास क्या आता है, मैक्सवेल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है क्या, दैट रूल इज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर मुझे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब ये रूल है क्या, सपोज करो इफ यू हैव hold a current carrying conductor in your hand like that, such that thumb indicate the direction of current, like ye mere paas conductor hai, suppose kare current carrying conductor yahi hai, isme upar ki taraf kya ho raha hai, current flow kar raha hai, I will hold this current carrying conductor like that, such that thumb indicate the direction of current, then the curl of fingers will indicate the direction of magnetic field. I'm repeating what Maxwell right hand thumb rule says, Maxwell right hand thumb rule says, hold a current carrying conductor such that
द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल ऑफ फिंगर्स, कर्ल ऑफ फिंगर्स विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे मैंने इसको ऐसे होल्ड किया हुआ है, करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, कुछ ऐसे है ना, देखो इस तरह ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी. अगर मैं इसको नीचे की तरफ इस तरह से पकड़ता हूँ, मैग्नेटिक जो सॉरी इलेक्ट्रिक करंट है वो नीचे की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कुछ ऐसे होगी. इसमें और इसमें क्या फर्क है, जब मैंने इसको ऐसे पकड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्लॉकवाइज है. जब मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज. तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी वो क्या होंगी, सर्कुलर ही होंगी, कॉन्सेंट्रिक लूप्स भी ही बनाएंगी, पर वो सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी अगर उनकी हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं. तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, तो यहां से क्लियर हुआ. जैसे यहां पर भी है, अगर करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन की एंटी क्लॉकवाइज होगी, और अगर वो क्लॉकवाइज कर देते हैं सॉरी करंट की डायरेक्शन नीचे कर देते हैं या डाउनवर्ड कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या जाएगी, क्लॉकवाइज जाएगी. ठीक है, तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, इसमें हमने समझा पूरे टॉपिक में कि करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सब कुछ उसके बारे में हमने सब कुछ जाना विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक. नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कंडक्टर. सर्कुलर कंडक्टर कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो समझेंगे हम अपने.